लखनऊ एन्काउंटर प्रकरणी लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी निवेदन दिलं. सैफुल्लाकडून पिस्तूल आणि काडतूस जप्त केलं असून लखनऊ एन्काउंटरची एनआयए चौकशी करणार असल्याचं राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं. दहशतवादी सैफुल्लाने पोलिसांवर गोळीबार केला होता. अखेर काल झालेल्या चकमकीत तो मारला गेला. लखनऊ में काकोरी थाना अंतर्गत हाजी कॉलोनी स्थित एक मकान में कानपुर निवासी मोहम्मद सैफुल्ला उर्फ अली के किराए पर रहने की सूचना प्राप्त हुई. एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त मकान की घेराबंदी की गई और संदेही सैफुल्ला को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किए गए, परंतु उसके द्वारा आत्मसमर्पण करने से इनकार किया गया. वह एटीएस टीम पर फायरिंग की गई. अंततः लगभग 12 घंटे के अथक प्रयास के पश्चात एटीएस टीम द्वारा सैफुल्ला के कमरे में प्रवेश किया गया. आमने सामने हुई मुठभेड़ में इस संदिग्ध आतंकी को मार गिराया गया. मृतक के कमरे से 8 पिस्टल, 630 जिंदा कारतूस तथा अन्य सामग्री जिसमें 1.5 लाख रुपए नकद, लगभग 45 ग्राम सोना, 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 2 वॉकी टॉकी सेट और कुछ विदेशी मुद्रा सम्मिलित है बरामद की गई. एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों, जिनमें से एक इटावा व एक औरैया से है, वो भी उपरोक्त संदिग्ध आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. संपूर्ण घटनाक्रम राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है. दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की गई है. इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए से कराई जाएगी.